तो एक बार फिर मेरे चैनल प्रोग्रामिंग विद नितिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जब हम गूगल मीट का यूज़ करते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए, तो साथ ही साथ हम अटेंडेंस भी कैसे ले सकते हैं। अभी आप जो अटेंडेंस है वो मैन्युअली जितने लोग अटेंड होते हैं उनको देखकर रिकॉर्ड करते होंगे, मगर आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैन्युअली अटेंडेंस लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपकी जो अटेंडेंस है वो अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगी, वो भी सिर्फ एक क्लिक पर। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, सबसे पहले मैंने अपने ब्राउज़र पर एक टैब में गूगल मीट वेबसाइट को ओपन करा हुआ है और दूसरे टैब में मैंने मेरे गूगल ड्राइव को ओपन करा हुआ है और दोनों ही वेबसाइट पर मैंने सेम अकाउंट से लॉग इन करा हुआ है। इसके बाद आपको एक और टैब ओपन करना है और इसमें आपको लिखना है गूगल मीट अटेंडेंस एक्सटेंशन। इसके बाद आपको ये जो दूसरी लिंक दिखाई दे रही है मीट अटेंडेंस गूगल क्रोम, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एड टू क्रोम बटन पे क्लिक करना है। फिर आपको ये एड एक्सटेंशन बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये नीचे पहले डाउनलोड हुआ, अब ये यहाँ पे ऐड हो गया है। ये बोल रहा है मीट अटेंडेंस हैज बीन एडेड टू क्रोम, दिस आइकन विल बी विजिबल व्हेन द एक्सटेंशन कैन एक्ट ऑन द करंट पेज, मैनेज योर एक्सटेंशन बाय क्लिकिंग एक्सटेंशन इन द टूल्स मेन्यू। ठीक है, अब आपको इसको बंद कर देना है। अब आपको वापस गूगल मीट टैब पे आना है, यहाँ से आपको स्टार्ट मीटिंग करना है। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मीटिंग की लिंक मिल जाएगी, आप ज्वाइन नाउ कर दीजिए। अब मैं यहाँ से मेरे दूसरे डिवाइस से इस मीटिंग में मैं ज्वाइन होता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ज्वाइन हो गया हूँ। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये जो पहला आइकन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पे ये एक नई चीज़ आपको दिखाई दे रही है जहाँ पे आपको दो लिखा हुआ दिख रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको इस स्लाइडर को बंद करके चालू करना है। ठीक है, तो इसने क्या करा, आपकी अटेंडेंस को एक बार सेव कर लिया। अब आपको अपने गूगल ड्राइव पे जाना है, यहाँ पे इसको आपको रिफ्रेश करना है, आपको रीसेंट टैब में जाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दो शीट हमें दिखाई दे रही है मीट अटेंडेंस नाम से, इसमें डेट और टाइम दोनों लिखा हुआ है। पहले ये शीट क्रिएट हुई, फिर ये शीट जो हुई मॉडिफाई हुई। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको प्रीव्यू करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपकी अटेंडेंस जो है वो आ गई है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको हर 5 मिनट या 10 मिनट के बाद अटेंडेंस लेनी है तो आप वापस यहाँ पे आइए और इस स्लाइडर को एक बार बंद और चालू कर दीजिए। जितनी बार आप इसे बंद और चालू करेंगे ये आपकी अटेंडेंस को उस फाइल के अंदर सेव करता जाएगा। अब आप एक बार वापस देख सकते हैं, यहाँ पे आया मैं, अब एक बार आप वापस देख सकते हैं मैं मेरे गूगल ड्राइव पे आया, यहाँ पे मैंने इसे रिफ्रेश करा और यहाँ पे देखिए अब मैं इसको वापस से प्रीव्यू कर रहा हूँ। ये देखिए इसने जितनी बार आपने उसे बंद और चालू करा था उतनी बार आपकी अटेंडेंस को यहाँ पे इसने सेव कर लिया है। साथ में ये आपको लिंक भी बता रहा है कि किस मीटिंग की आपने अटेंडेंस को सेव करा है। तो इस तरह से आप अपने अटेंडेंस को जितनी बार लेना चाहें ले सकते हैं, वो भी एक सिंगल क्लिक पे एकदम बिल्कुल आसान तरीके से। आप लोगों को बस एक चीज ध्यान रखनी है कि ये एक्सटेंशन ही आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि
ऐसे कई सारे एक्सटेंशन अवेलेबल हैं, बट ये जो एक्सटेंशन है ये काफ़ी अच्छा है और इसे मैं भी यूज़ करता हूँ मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए और उसे शेयर करिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो से कुछ नया सीख सकें। तो फिर मुलाकात होगी आप सभी से मेरे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।